हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रूम नंबर 9 का पार्ट 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन अगर उससे पहले आपने इसके एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले के एपिसोड्स देख लीजिए ताकि आपको ड्रामा अच्छे से समझ में आ सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जब जेन हे और हासा को शौक देने वाला था पर किसी काम से रूम से बाहर जाता है और देखता है सीईओ को, जो हे की रूम की तरफ ही आ रहा था। तो वो वापस रूम में आता है और जब सीईओ रूम में आता है तो हे को सोता देखता है और जेन हासा को लेकर बेड के नीचे छुपा था। वहीं सीईओ हे को कुछ देर तक देखता रहता है और तभी हासा को होश आने लगता है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलती जिन उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर देता है। उसके बाद सीईओ हेई को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद जिन फिर से प्रोसेस स्टार्ट करता है। हालांकि हासा तब तक थोड़ी होश में आ चुकी थी, जो उससे रिक्वेस्ट करती है कि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है तो वो उसे हेई की बॉडी में रहने दे, पर जिन ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि हेई के पास बस 3 महीने थे और वो कभी भी मर सकती थी। जिसके बाद वो हासा को AED से शॉक देता है, जिस वजह से हॉस्पिटल की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और सीईओ अभी हॉस्पिटल बिल्डिंग में ही था, जो लाइट्स ब्लिंक होने की वजह से रुक जाता है। पर इससे पहले कि वो हेई के रूम की तरफ दोबारा जाता, उसका सेक्रेटरी आता है जो उसे वहां से ले जाता है। वहीं बॉन्ग सैम मेडिकल हॉस्पिटल के आसपास की सारी CCTV रिकॉर्डिंग्स देखता है, पर उसमें उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता, जिस पे उसका चीफ उसे ये सब कुछ बंद करने को कहता है और कहता है कि हेई यानी हासा अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी। पर बॉन्ग सैम हर बार की तरह इस बार भी हर इंसिडेंट को की चान के केस से जोड़ के देखता है, क्योंकि हेई की चान की लॉयर थी तो उसे लगता है कि हासा, जो उसके अकॉर्डिंग हेई है, उसकी जान खतरे में है। इधर हासा को होश आता है तो वो मिरर में खुद को चेक करती है और अब वो वापस से हेई थी, यानी कि हेई को उसकी बॉडी वापस मिल गई, तो अब मैं भी हेई को हेई और हासा को हासा ही बुलाऊंगी। तो हेई जिन को ढूंढती है ये बात बताने के लिए, जो उस वक्त एक स्टोर में गया था कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए। और हेई को याद आता है कि नेक्स्ट डे की चान के केस की ट्रायल है, तो वो हॉस्पिटल के टेलीफोन बूथ पे आती है अपने असिस्टेंट को कॉल करने के लिए, पर तभी सीईओ और उसका सेक्रेटरी भी उसे देख लेते हैं, जो नेक्स्ट सीन में उसे अपने साथ ले जाता है। और तभी हेई जिन को हॉस्पिटल की तरफ जाते देखती है, जो चाह के भी उसे नहीं रोक पाती। और सीईओ उसे पूछता है कि नेक्स्ट डे उसके बेटे की ट्रायल है तो वो वहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही थी, जिस पे हेई बोलती है कि वो बस हासा को देखने गई थी। तो सीईओ उसे होटल कॉरिडोर के CCTV रिकॉर्डिंग्स दिखाता है, जिसमें हेई, जो तब हासा थी, बॉस के रूम में जा रही थी। और सीईओ बोलता है कि होटल के सारे CCTV कैमरास काम कर रहे थे, पर उन लोगों ने पुलिस को जानबूझकर झूठ बोला ताकि ये रिकॉर्डिंग्स उन तक ना पहुंचे, और अगर वो ट्रायल हारती है तो ये रिकॉर्डिंग वो पुलिस को दे देगा। वहीं जिन जब हॉस्पिटल रूम में आता है तो हेई को वहां नहीं पाता, और इधर सीईओ हेई को लॉ फर्म के बाहर छोड़ता है। लेकिन जाने से पहले हेई सीईओ से पूछती है कि वो हॉस्पिटल क्यों गया था, जिस पे वो बताता है कि वो बस उस इंसान को आखिरी बार देखने गया था जिसने उसके भाई की जान ली थी। जिसके बाद हेई अपने ऑफिस आती है और की चान के केस की पूरी फाइल और अब तक उस पे जो काम हुआ है उसकी रिपोर्ट मांगती है। और बाद में मीरान उससे पूछती है कि वो कहाँ चली गई थी। बॉन्ग सैम ने उसे कॉल करके बताया था कि उसका पर्स उसके पास है और बताती है कि उसे की चान के खिलाफ सबूत मिल चुका है जिससे उसे जेल हो सकती है। अभी तक मीरान को नहीं पता कि वो रियल हेई है। तभी वहाँ पे जिन आता है तो मीरान बाहर चली जाती है और जिन हेई से पूछता है कि क्या वो रियल हेई है, पर हेई तब उसे सच नहीं बताती क्योंकि अभी उसे की जान के केस पे फोकस करना था और मीरान से उस सबूत के बारे में भी जानना था। तो वो जिन से झूठ बोल देती है, जिस पे जिन वहां से उदास होकर चला जाता है। और फिर मीरान हेई से उस रिकॉर्डिंग के बारे में बताती है जिसमें मॉर्गन सीईओ के घर के बाहर की जान से मिली थी। वहीं हेई का असिस्टेंट किम को हेई और जिन के बारे में बताता है कि शायद दोनों में लड़ाई हुई है और ये भी कि हेई कल पूरे दिन गायब थी। जिसके बाद किम हेई से बात करता है कि वो की चान के केस के लिए सीरियस नहीं है, जिस पे वो बोलती है कि वो उस पे डाउट ना करे क्योंकि एक वही है जो की चान को केस जिता सकती है और उसे सजा से बचा सकती है। वहीं देखते हैं हेई की एक और सबऑर्डिनेट को, जो बॉन्ग सैम के पास आती है उसका पर्स लेने के लिए। और बॉन्ग सैम ये सोच कर पागल हुए जा रहा था कि हेई किडनैप हुई भी थी या नहीं। ऊपर से उसका चीफ उसे अलग सिरफिरा बुलाता है, जो कभी हेई को मर्डरर तो कभी ठग बुलाता है और कभी बोलता है कि वो किडनैप हो गई है। एंड बॉन्ग सैम वॉज लाइक, यार मुझे खुद ही नहीं पता, मैं खुद ही कन्फ्यूज हूँ, पर बंदी बहुत क्यूट है, तुम रुको, तुम जल्दी ही रोगे।
इधर जिन हासा के पास आता है जो अभी भी बेहोश थी और एईडी मशीन को लातों से धूं देता है। यार तुम सब इस मशीन को क्यों पीट रहे हो, कभी हेई मारती है कभी जिन मारता है। बेचारा ये मशीन भी सोच रहा होगा कि अच्छा खासा कबाड़ में चला जाता या मीटियोर गिरने से मैं भी खत्म हो जाता। वहीं मीरान हेई को उस डैश कैम की रिकॉर्डिंग दिखाती है जो देख कर हेई बहुत खुश होती है क्योंकि इस वीडियो के बदले वो सीईओ को ब्लैकमेल कर सकती थी। नेक्स्ट डे होता है की चान का ट्रायल और हेई मीरान से उन लोगों ने यानी उसने और रियल हासा ने जो भी अब तक की इन्वेस्टिगेशंस की थी उसके प्रिंट आउट मांगती है, यानी वीडियो के अलावा मॉर्गन और एस्थर सब की जानकारी। और नेक्स्ट सीन होता है कोर्ट रूम का जहां सेक्रेटरी के बेटे पार्क से प्रोसिक्यूटर क्वेश्चंस करता है और पार्क के अकॉर्डिंग उसने एक्सीडेंट वाली रात कार में कुछ भी अनयूजुअल नोटिस नहीं किया था, जबकि प्रोसिक्यूटर का कहना था कि कार के ब्रेक हॉर्स में फॉल्ट होता तो ब्रेक स्लिप या वाइब्रेशन या फिर एयर डिफ्लेशन की आवाज़ आती, पर विटनेस यानी पार्क ने ये कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। इसका मतलब है कि कार के ब्रेक हॉर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ब्रेक होस वैसे एक ट्यूब होता है जो ब्रेक से कार या किसी भी व्हीकल को कनेक्ट करता है, उसी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रेक फेल होना कहते हैं। यहाँ प्रोसिक्यूटर पार्क की एक तरह से इंसल्ट भी करता है कि वो बस की चान का चमचा है, लेकिन जब हेई की बारी आती है डिफेंड करने की तो वो कोर्ट को बताती है कि कार में जो म्यूजिक सिस्टम थी उसकी आवाज़ काफ़ी तेज थी जिस वजह से विटनेस यानी पार्क ने फॉल्टी ब्रेक के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, यानी कि अगर फॉल्टी ब्रेक के सिम्टम्स होंगे भी तो म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ ब्लास्टिंग और तेज थी जो एक नाइट क्लब में यूज होने वाले म्यूजिक सिस्टम की तरह थी, जिस वजह से पार्क को कुछ फील ही नहीं हुआ। पर यहाँ कोर्ट में जिन भी मौजूद था जो जब हेई को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते देखता है तो उसे कुछ डाउट होता है। वहीं मीरान भी कंफ्यूज थी। और नेक्स्ट सीन में सीईओ का घर दिखाते हैं जहाँ पार्टी चल रही थी क्योंकि वो लोग ट्रायल ऑलमोस्ट जीत चुके थे और एक हफ्ते में की जान के सेंटेंस ट्रायल थी जिसमें उसे क्लीन चिट मिल जाएगी। और सीईओ सभी को अनाउंस करता है कि सेंटेंस ट्रायल के बाद वो की जान को 15 सालों के लिए अब्रॉड भेज रहा है उसके आगे की पढ़ाई के लिए। बाद में हेई सीईओ को वो रिकॉर्डिंग दिखाती है और उसके बदले वो होटल के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय करने को बोलती है और साथ ही उसे मॉर्गन और एस्थर की इन्वेस्टिगेशन यानी मॉर्गन के सोशल मीडिया पोस्ट की हार्ड कॉपी भी दिखाती है और उसके बदले उसे सीनियर पार्टनर बनाने को बोलती है। और जब सीईओ उससे उसका सोर्स पूछता है तो वो नहीं बताती और अपनी डिमांड पूरी करने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में जब वो अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसे बॉन्ग सैम मिलता है जो पहले तो उसके कोर्ट रूम के परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और फिर पूछता है कि क्या अब तक वो उसका यूज़ कर रही थी। उसका उसके साथ बाहर जाना, बाइक पे घूमना, हासा की मॉम से मिलना क्या उसके लिए मजाक था? पर हेई तो इन सब चीज़ों से अनजान थी क्योंकि बॉन्ग सैम के साथ जो थी वो हासा थी तो वो उसका मजाक उड़ाती है। पर बॉन्ग सैम भाई साहब का तो दिल टूटा था तो वो पूछता है कि उसने उसे झूठे सपने क्यों दिखाए। पर हेई तो जैसे उसके दिल का कचुंबर निकालना चाहती थी, वो बोलती है कि वो उसमें कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, और वहां से चली जाती है। और बॉन्ग सैम भाई साहब वहीं मुंह लटकाए खड़े रहते हैं, और जाओ क्लोज, मैंने तो पहले ही बोला था। वहीं सीईओ मॉर्गन के सोशल मीडिया पोस्ट को देखता है और अपने सेक्रेटरी को एस्थर के बारे में पता लगाने को बोलता है। इधर 6 दिन हो चुके थे और हासा अभी भी होश में नहीं आई थी और डॉक्टर जिन को बताता है कि वो भी मिनी कोमा में है। नेक्स्ट सीन में हेई हासा के पास आती है उसके पास से अपनी कपल रिंग लेने, पर तभी हासा को होश आता है और वो उससे की छान के ट्रायल के बारे में पूछती है और हेई बताती है कि वो ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, बस उस पर सेंटेंस आना बाकी है जिसमें उसे क्लीन चिट मिल जाएगी। और हासा उसे मिस्टर कांग से बात कराने को बोलती है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि मिस्टर कांग वही हैं जिन्होंने हेई से हासा के केस की रीट्रायल की बात की थी उसके वॉलंटियर सर्विस के दौरान। पर हेई फिर से हासा से बोलती है कि बाहर उसकी लाइफ का कोई होप नहीं है तो वो चुपचाप से अपने बाकी के दिन जेल में ही बिताए और की चान को जेल भिजाने का सपना भूल जाए, और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वहाँ जिन आता है जो उसे इग्नोर करके हासा के पास जाता है और हेई वहाँ से चली जाती है। वहीं हासा भी जिन को पुश कर देती है जिससे कि वो समझ जाता है कि वो रियल हासा है और हेई को उसकी बॉडी मिल चुकी है। इसके बाद वो हेई के पास आता है और पूछता है कि क्या वो रियल हेई है, तो हेई उसे सॉरी बोलती है सच ना बताने के लिए क्योंकि तब उसे की जान के केस पे फोकस करना था और मीरान से हासा के इंटेंशंस जानने थे। और जिन को उनकी कपल रिंग देती है जिसपे जिन उसे हग कर लेता है और हेई उसे थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट सीन में जब वो ऑफिस आती है तो उसे सीनियर पार्टनर बना दिया गया था, जिसके बाद वो जीप भर कर शॉपिंग करती है जो देखकर मीरान हैरान होती है क्योंकि उसे लगता है कि हेई जो उसके अकॉर्डिंग हासा है अपने मकसद से डाइवर्ट हो रही है और हेई की लाइफ एंजॉय कर रही है, तो उसे उसके रिवेंज की याद दिलाती है जिसपे हेई बोलती है कि अभी उसके पास बहुत टाइम है बदला लेने के लिए
और उसे कुछ पैसे देती है और कुछ दिन कहीं घूम आने को बोलती है। जिस बात पे मी रान बहुत खुश हो जाती है और वहाँ उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। वहीं मिस्टर कांग और हे के डैड हासा से मिलते हैं और हासा उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो वो लोग उसे जल्दी स्टे दिला दें और जेल से बाहर निकलवा दें ताकि वो अपना एक काम पूरा कर सके। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेल स्टाफ उसे उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स देती हैं, जिसमें उसके कपड़े, बैग, शूज ये सब कुछ होते हैं जो उसने पहने थे जब वो पहली बार जेल आई थी, यानी 34 साल पहले। पर हासा के लिए वो सब कुछ एक यादें थी उसके कड़वे कल की, जो उसे उस इंसान की याद दिलाती है जो कभी उसकी सबसे प्यारी चीज़ थी, यानी योंगबे। और जब वो जेल से बाहर आती है तो डिसाइड करती है कि वो इस दुनिया से जब भी जाएगी वो योंगबे को, यानी सीईओ को अपने साथ ले जाएगी, जैसा कि उन लोगों ने कभी डिसाइड किया था। और जेल के बाहर उसे मिस्टर कांग और हेई के डैड लेने आते हैं। वहीं हेई अपने घर की पूरी सफाई कराती है, वो सारे सामान जो कभी हासा ने यूज़ किए थे उन सब को चेंज करवाती है, सिवाय अपने स्टडी रूम के जहां हासा ने सीईओ और उसकी फैमिली से रिलेटेड अपनी स्ट्रेटेजी प्लान की थी। वहीं देखते हैं मीरान को जो अपनी छुट्टियां एंजॉय करने बाली जा रही थी और हेई के असिस्टेंट से मिलती है और जाने से पहले उसके साथ ड्रिंक करती है, जो उसे नशे में पूछता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किसकी साइड ले, किम की या हेई की। जिसके बाद मीरान उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है और पेपर पे उसके लिए लिख के जाती है कि उसे किम के साइड होना चाहिए क्योंकि इससे वो फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाएगा और वैसे भी हेई और जिन का ब्रेकअप होने वाला है। वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हेई अभी तक हासा ही है। वहीं हासा उस गेमिंग सेंटर में आती है जहां वो मीरान के फ्रेंड से मिली थी, जो हासा को देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल वो भी हासा के साथ जेल में रह चुकी है और तब हासा उसका बहुत ख्याल रखती थी। और हासा उसे मीरान के बारे में पूछती है और वो लड़की जिसका नाम सॉन्ग है बताती है कि मीरान ट्रिप पे जाने वाली है, उसे काम से बोनस मिला है और वो लोग भी ट्रिप पे जा रहे थे। वो लोग से मतलब है सॉन्ग और उसका बॉयफ्रेंड, दोनों ही अब तक मीरान और हासा की हेल्प करते आए हैं। और हासा उसे मॉर्गन की फुटेज मांगती है और सॉन्ग बताती है कि वो फुटेज मीरान ने हेई को दे दिए हैं, जो सुनकर हासा हताश होती है। पर सॉन्ग का बॉयफ्रेंड बताता है कि वो फुटेज को रिकवर कर सकता है। वहीं जिन और हेई इतने टाइम बाद फाइनली साथ थे और अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे, तभी डोरबेल रिंग होती है और जब हेई बाहर देखती है तो वहां ठीक वैसा ही बॉक्स रखा था जैसा उन्हें जिन के बर्थडे वाले दिन मिला था, जो देखकर हेई घबराती है और जिन उस बॉक्स में उसे उनकी कपल रिंग दिखाता है, यानी कि ये सब कुछ उसका सरप्राइज था। पर हेई उस सरप्राइज से खुश नहीं होती क्योंकि उस बॉक्स के साथ उसका लास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। और जिन उसे सॉरी बोलता है और बताता है कि वो बॉक्स उसे बॉस ने भेजा था, हालांकि वो इसके पीछे का कारण तो नहीं जान पाया पर उसके थ्रू उसे बहुत कुछ जानने को मिला। वो अपनी मॉम के फेस को देख पाया जिसपे हेई उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है, पर जिन इस बारे में बाद में बात करने को बोलता है। और फाइनली दोनों एक दूसरे को वो रिंग पहनाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपने इस स्वीट मोमेंट को कंटिन्यू कर पाते, डोरबेल फिर से रिंग होती है। यार तुम लोग साथ रहा ही मत करो, हर बार ही डोरबेल। और इस बार भी दरवाजे पे एक पार्सल था जिसके अंदर सेम वैसा ही बॉक्स था, पर जिन जब उस बॉक्स को खोलता है तो वो खाली होता है, पर वो समझ नहीं पाता कि उसे ये बॉक्स किसने भेजा होगा क्योंकि बॉस अब मर चुका है। वहीं देखते हैं डॉक्टर बॉन्ग को और हमें पता चलता है कि वो बॉक्स उसी ने जिनको भेजा है। फिर आता है सेंटेंस ट्रायल वाला दिन और उस दिन हासा भी कोर्ट में आती है, जिसे देखकर सीईओ शॉक होता है। लेकिन इससे पहले कि जज की चांद पे अपना फैसला सुनाता, बॉन्ग सैम अचानक से कोर्ट रूम में आता है और बताता है कि उसके पास एविडेंस है जो प्रूफ कर सकता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्री प्लान मर्डर है, जो देखकर हासा जोर जोर से हंसती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। सायनारा।